स्टार्ट आवर क्लास क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 10 में बताया था कि हेमानी दीदी जो हैं वो सभी बच्चे जो हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं। वो उनको पढ़ने के लिए भी उन्हें क्या करती हैं बताती हैं कि और बहुत कुछ उनको सिखाती हैं। उनको उनके लिए बहुत सारे कभी उनके लिए पेंसिल्स नोटबुक्स कॉपीज लाती हैं और उनके लिए टॉयज भी लाती हैं। तो चलिए हम लोग आगे की स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है। जगन वाज द हेड ऑफ द क्यू। जगन जो है वो लाइन का हेड होता है। सी सेलेक्टेड अ जीप फॉर योर सेल्फ और वह अपने लिए एक जीप को क्या करता है सेलेक्ट करता है। देन वाज टर्न ऑफ निधि। अब निधि का टर्न आता है। हु टुक एन एलिफेंट। अब वो उसको क्या मिलता है एक एलिफेंट मिलता है। दस आल चिल्ड्रेन कम एंड सेलेक्टेड टॉयज और सभी चिल्ड्रेन एक एक करके आते हैं और अपने टॉयज को सेलेक्ट करते हैं। दे टुक कैमल डॉग कार हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर स्पेसमैन पायलट रॉबर्ट डॉक्टर वुडन स्नैक डॉल एंड सो ऑन। किसी को उसमें कैमल मिलता है किसी को डॉग कार हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर स्पेसमैन पायलट रोबोट डॉक्टर वुडन स्नैक डॉल। तो ऐसे करके एक एक बच्चे को एक एक टॉय मिलता है। देयर वर स्टील सम टॉयज लेफ्ट आफ्टर ऑल चिल्ड्रन हैड गॉट ऑन ईच। सभी चिल्ड्रन को एक एक टॉय देने के बाद भी कुछ टॉय जो हैं वो बच जाते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड कर्शली इफ दे वुड गेट मोर ऑफ देम। सभी चिल्ड्रन उस टॉयज को देखते हैं कि क्या उसमें से उन्हें और अधिक भी मिल सकता है। रीमा देयर आर मैनी टॉयज स्टिल लेफ्ट। रीमा बोलती है कि बहुत सारे टॉयज जो हैं वो क्या हुआ बच गए हैं। वी कैन वी आर टेक वन मोर। क्या हम एक और अधिक ले सकते हैं हेमानी। नो चिल्ड्रेन। हेमानी बोलती है कि नहीं। दिस टॉयज विल गो टू द चिल्ड्रेन ऑफ अनदर विलेज। ये टॉयज जो हैं वो किसी और विलेज के बच्चों के लिए जाएंगे। देयर आर लिटिल क्यूट चिल्ड्रेन देयर टू। डू यू फील हैप्पी विथ दिस टॉयज। वह बोलती है कि डियर चिल्ड्रेन क्यूट चिल्ड्रेन क्या आप लोग इन टॉयज के साथ खुश हो। चिल्ड्रेन यस वी डू। बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम लोग खुश हैं हेमानी। नाउ यू कैन गो एंड प्ले विथ दिस टॉयज। अब आप लोग जाओ और इन टॉयज के साथ खेलो। नेक्स्ट वीक वी शैल लर्न हाउ टू मेक टॉयज। और नेक्स्ट वीक हम लोग ये सीखेंगे कि टॉयज को कैसे बनाया जाता है। सून द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विथ द टॉयज। जल्द ही जो चिल्ड्रेन हैं उन टॉयज के साथ खेलने लगते हैं। दे हैड फॉर्म्ड सेवरल ग्रुप्स। वह कई ग्रुप्स बना लेते हैं। उदय एंड ईसा रिटर्न होम। उदय और ईसा जब घर आते हैं देयर ग्रैंडफादर वाज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड। तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो आंगन में बैठे होते हैं। कोर्टयार्ड मींस होता है आंगन। उदय लुक दादू व्हाट हैव विद वी अस। दादू ये देखिए कि हम लोग के पास क्या है। ग्रैंडफादर दीज आर लवली टॉयज। ग्रैंडफादर हैं वो बोलते हैं कि ये लवली टॉयज हैं बहुत ही सुंदर टॉय हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट देम। ये तुम्हें कहाँ से मिले। ईसा टूडे हेमानी दीदी हैड कम। आज हेमानी दीदी आई थी। आई गॉट दिस डॉल और उन्होंने मुझे यह डॉल दिया। उदय आई गॉट दिस ट्रैक्टर और मुझे यह ट्रैक्टर दिया। ग्रैंडफादर दीज आर ब्यूटीफुल। ग्रैंडफादर जो है वो बोलते हैं कि यह बहुत ही सुंदर है। गो एंड प्ले विथ देम। वो बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर है तुम लोग जाओ और इनके साथ खेलो। ईसा बट वी हैव ओनली टू टॉयज। लेकिन ईसा बोलते हैं कि मेरे पास हम लोग के पास बस टू टॉय ही हैं। वी वांट मोर देम। दादू बाई अस मोर टॉयज। हम और भी अधिक खिलौनों के साथ खेलना चाहते हैं। दादू हमें खिलौने खरीद दीजिए। ग्रैंड फादर डू यू टेक जॉय वेन यू प्ले विथ टॉयज। क्या जब तुम लोग खिलौनों के साथ खेलते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है आनंद आती है। ईसा एंड उदय यस वी डू। हाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंडफादर यू विल टेक इवन मोर जॉय इफ़ यू मेक टॉयज योरसेल्फ। तुम्हें और भी अधिक अच्छा लगेगा जब तुम लोग अपने हाथ से टॉयज को बनाओगे। डू यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक टॉयज योरसेल्फ। क्या तुम लोग अपने हाथ से खिलौने बनाना सीखना चाहते हो। ईसा यस दादू। ईसा बोलती है यस दादू टीच अस हमें सिखाइए। हेमानी दीदी टू हैज प्रॉमिस टू टीच अस हाउ टू मेक अ देम। हेमानी दीदी ने भी हमें प्रॉमिस किया है कि वह जब नेक्स्ट वीक आएंगी तो हमें यह सिखाएंगी कि अपने हाथ से
ट्वाइस को कैसे बनाया जाता है. ग्रैंडफादर, डेट्स गुड. ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे. बट आई शैल टीच यू टू मेक दिस मेक ट्वाइस जस्ट नाउ. लेकिन मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी सिखाता हूँ कि कैसे ट्वाइस को बनाया जाता है. यू कैन सरप्राइज आवर हेमानी दीदी विथ योर स्किल. आप लोग अपने स्किल से हेमानी दीदी को सरप्राइज कर सकते हैं. कॉल योर फ्रेंड्स हियर. आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाओ. सून मैनी चिल्ड्रंस फ्रॉम द नेबरहुड हैड कलेक्टेड इन द कोर्ट यार्ड. और बहुत सभी चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत जल्दी पड़ोस के जितने भी चिल्ड्रन थे वो आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. दे आर सेट इन वन कॉर्नर. और वो सभी एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं. दे शॉक्ड सम क्ले. और वो कुछ क्ले यानी कि कुछ मिट्टी लेके आते हैं. दारू शोड देम हाउ टू मेक अ कॉपी एंड देन ऑल चिल्ड्रन सेट डाउन टू मेक डिफरेंट ट्वाइज. उनके जो दादू हैं, जो उनके ग्रैंडफादर हैं, वो उन्हें एक कॉपी बना के दिखाते हैं. और सभी चिल्ड्रन जो हैं वो क्या करते हैं, उस क्ले से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्वाइज को बनाते हैं. कोई पुलिसमैन को बनाता है, कोई एलिफेंट को, कैमल को, चैरियट, कार, चेयर, टेबल, कोट, कॉर्ड, चर्नर एंड मैनी मोर. बट दे आर वन बेड. उन्होंने बहुत सारे, वे सारे बच्चे मिलके बहुत सारे ट्वाइज को बना लेते हैं. लेकिन वो अभी कैसा रहता है, जो ट्वाइज है वो गीला रहता है. बेड मीन्स होता है गीला, भीगा हुआ रहता है. उदय, बट दे आर बेड एंड वी कैन नॉट प्ले विथ देम कैन बी. तो उदय बोलता है कि दादू, लेकिन हम लोग इन ट्वाइज के साथ खेल नहीं सकते हैं क्योंकि ये अभी गीले हैं. ग्रैंडफादर, नो यू कैन नॉट प्ले विथ देम नाउ. तुम लोग अभी इस खिलौने के साथ नहीं खेल सकते हो. यू हैव टू वेट अनटिल टुमारो. तुमको कल तक वेट करना होगा. द ट्वाइज वर ड्राइड अप द नेक्स्ट डे. ट्वाइज जो है वो कल तक क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे. द ग्रैंडफादर बैग्ड देम इन द हॉट एंड देन ही टॉट चिल्ड्रन हाउ टू कलर देम. और जो ग्रैंडफादर हैं वो बताते हैं कि उन खिलौनों को अब कैसे कलर करना है. तो वो बोलते हैं कि कल तक ये जो ट्वाइज हैं वो ड्राई हो जाएंगे और फिर मैं तुमको इनमें कलर भरना सिखाऊंगा. ऑल चिल्ड्रन स्टार्टेड टू कलर द ट्वाइज बिजली. और सभी चिल्ड्रन जो हैं वो ट्वाइज को कलर करने में बिजी हो जाते हैं. एंड सून द चिल्ड्रन हैड मैनी ट्वाइज. और अब बच्चों के पास बहुत सारे ट्वाइज हो जाते हैं. नॉट ओनली दिस, द ग्रैंडफादर टॉट देम हाउ टू मेक ट्वाइज यूजिंग अदर थिंग्स सच एज कोकोनट सेल, वुड, बम्बू, क्लोथ्स, ब्रूम स्टिक, मैच, पेबल्स एंड अदर थिंग्स विच दे कुड फाइंड अराउंड देम इजली. और उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताते हैं कि तुम लोग केवल क्ले से ही नहीं बल्कि कोकोनट सेल, वुड, बम्बू, क्लोथ, ब्रूम स्टिक, मैच स्टिक, पेबल्स एंड अदर थिंग्स का यूज करके भी, जो तुम्हारे आसपास इजीली पाया जाता है, उन सारे थिंग्स का यूज करके भी तुम लोग क्या कर सकते हो, ट्वाइज को बना सकते हो. नेक्स्ट वीक व्हेन हेमानी कम टू द विलेज. नेक्स्ट वीक जब अगले दिन हेमानी जो है वो विलेज आती है, सी वाज अमेज्ड. तो वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती हैं. द चिल्ड्रन हैड ऑर्गेनाइज्ड एज स्मॉल एग्जीबिशन ऑफ ट्वाइज विच दे हैड मेड देमसेल्व्स. उन बच्चों ने एक अपने ट्वाइज का एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाए रहते हैं. जो बच्चे होते हैं वो अपने जो अपने हाथ से वो लोग ट्वाइज बनाए रहते हैं उसका एक छोटा सा एग्जीबिशन लगाए होते हैं. हेमानी हैड आल वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर देम. तो हेमानी जो है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है सभी बच्चों को देख के कि उन छोटे छोटे बच्चों ने अपने आप से ट्वाइज को बना करके एग्जीबिशन लगाया होता है. और वह उनके लिए बहुत प्रशंसा के शब्द बोलती है, उनको बहुत ही शाबाशी देती है. और एग्जीबिशन भी होता है प्रदर्शनी. तो ये जो बच्चे होते हैं वो अपने ट्वाइज का क्या लगाए रहते हैं, प्रदर्शनी लगाए रहते हैं, जिसको देख के हेमानी जो है वो बहुत खुश हो जाती है और उनको बहुत ही अच्छा अच्छा शब्द उनके लिए बोलती है. तो सभी बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं. और आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे. ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आप लोग रीड करेंगे और आप लोग भी सीखेंगे कैसे अपने आसपास की चीज़ों से ट्वाइज को आप बना सकते हैं. तो आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है. थैंक यू.